आसमान पे बहुत ज्यादा बादल आए हुए हैं आज। आज बहुत ठंडा मौसम है, आज बहुत ठंडा मौसम है। और दरख्त देखें कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं मौसम की वजह से ना। इस तरह के मौसमों तो दरख्त बड़े खुश होते हैं, मतलब कि वो इतने प्यारे प्यारे लगते हैं ना। तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दरख्त बड़े खूबसूरत लगते हैं और बड़े खुश होते हैं। अभी इन दरख्तों के पत्ते ये वाले जो है ना, ये सारे गिर जाएंगे क्योंकि सर्दी आ गई, आगे सर्दी और ज़्यादा आएगी ना। अभी तो सर्दी की शुरुआत है, तो आगे फिर सर्दी और ज़्यादा आ जानी है, तो फिर ये सारे पत्ते गिर जाने हैं। ये फलियाँ लगी हुई हैं, इन में बीज होते हैं सीरी के ना, ये तो ये बीजे जाती हैं। उसके बाद सीरी जब उग पड़ते हैं तो फिर ये जहाँ जहाँ लगानी हो वहाँ इन्हें ले जाकर वहाँ लगाया जा सकता है। इस तरह पत्ते गिर जाएंगे ये सारे। फिर सर्दियों में ना, हम लोग सर्दियां आने से पहले इस तरह बालन रखते हैं, लकड़ियां वगैरह, ये सारा निजाम इस तरह होता है हमारे यहाँ इधर देहात में ना। ये लकड़ी है, इस पे रख के ना बालन सारा छोटा छोटा कर लेते हैं ना, साफ, मतलब कि एक एक टहनी कर लेते हैं इस तरह, ये छोटा छोटा। फिर ये आग जलाने के ना आसानी होती है आग जलाने में। ये देखें इधर, ये गन वगैरह जो है ना, ये इकट्ठा करके जला दिया हुआ था। इधर इस तरह बालन रखते हैं, ये वाला जो बालन है ना, ये आग जलाने के ज्यादा काम आते हैं, मतलब कि वो भी आता है लेकिन वो लकड़ियां मोटी हैं, थोड़ा आग उसमें मुश्किल लगती है। पहले इनको लगा के फिर उन्हें लगानी पड़ती है। ये जंतर था जो हमने पहले भी आपको गर्मियों में दिखाया था। ये भेड़ें जो होती हैं ना, वो बड़े शौक से खाती हैं। ये सारे खगल हैं, की कर दियो अकेने पुन के दीती है तेन है अभी पुनिया वा इस मोई साहब की देखें। अच्छा ती आ तुझे की एना क्यों लेके आए हो? मैं ओ तोता या तुसी ए मेरी एना क्यों लेके आए हो? ना बेटा अंदर रख के, वो बारिश आ रही है, सारी टूट जानी है। मोइज ने कल तोड़ दी थी मसी, मैं फिर ठीक की थी, मैं जाना सी किते। अम्मी जी आ देख लो बच्चे की कर दे, मेरा सारा सामान नीचे चुक के ले जाते। हाँ जी शीशा मोई साहब ने निकाल के रख दिता सीगा, सीधी खोलने की बजाय उल्टी खोल के रख देती सी। मैंने अम्मी जी को अपने बिस्तर इकट्ठे नहीं करने दिए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, तो काम कुछ कर लिया, कुछ रह गया करके फिर बिस्तर में आऊंगा। बाकी ये देखी सुबह सुबह मैंने ये जर्सी भी पहनी हुई थी अपर, ये वाली भी, और साथ में ना ये वाला गर्म चादर जो है ये भी ली हुई थी मैंने। और ये बच्चों को बिल्कुल नहीं सर्दी लगती, ये ऐसे घूमते हैं फिरते हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, ये इन्हें बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, हमें इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। हम भी जब इस एज में थे ना तो हमें भी नहीं लगती थी, हम भी बस ऐसी मस्ती करते थे सारा दिन। हमें घर वालों ने कहना सर्दी, हमने कहना नहीं हमें सर्दी नहीं लगती। हाँ जी इस मोई साहब की छल्ली भूनना देखें आप, आग पे रखने की बजाय इसने वो राख पे रख दी है ना। अब मैं इसे भून के देता हूँ उस गंदे बच्चे को, ये मानेगा नहीं, छल्ली बहुत खाता है ये। हूँ रखी थी बस, अरे इन्हें खा लियो। अच्छा हाँ जी मोहित इधर फेस करियो अपना, ये देखे छल्ली खाते हुए, इसका फेस चेक करिए आप। इस तरह का मौसम है ना तो खेतों का व्यू बड़ा कमाल का लगता है, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है और खेतों का व्यू इससे भी ज़्यादा प्यारा। अम्मी जी आ गई हैं तो अभी जाके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं अम्मी जी के साथ ये बच्चे। अम्मी जी की कहते हैं थानू,
इनकी छलियां भोने के तरीके देखो किन्ने तुसी सानु तंग कर दे आ है मोइज की करना मोइज बधाना अच्छा उबल जाना वा तुसी सानु बहुत तंग कर दे आ साडे कोजे जे अम्मी जी असि भी बचपन ची करते होंगे असि इन शरारती नहीं सानू सारे कहते मतलब बहुत चंगे इन तंग नहीं करते होंगे मतलब भी जिस तरह इन गल करते इन शरारत करते बहुत बोल दी बहुत लड़ता साना ये कैमरे सामने असि नहीं दिखाने जिन्ना ये साना लड़ाई कर दिया सानू पता आ जेड़ी आ मेरी जान वसदी लेकिन ये भी बहुत गल्ला सुनांदी है बड़ा मजा आंदा इहदियां गल्लां सुनण दा। अब मैं चाय गर्म करने लगा हूं चाय पीने ठंड बड़ी अम्मी जी ने पका के रखी आ लेकिन वो ठंडी हो गई सी ते हुण मैं गर्म कर रही हूं चाय पीने। तो ये व्लॉग कल शुरू किया था आज दूसरा दिन है तो आज ये व्लॉग कंप्लीट होगा। तो आज सूरज निकला है बहुत प्यारा सुबह से निकलाया हुआ है आज बादल नहीं है और हरे भरे खेत देखे कितने ज़बरदस्त लगते हैं आज ये लूसन है भैंसों का चारा। तो इधर में आया था वो ना किन्नू खाने के लिए हैं अभी अच्छे से पके नहीं है लेकिन कोई कोई दाना जो है ना वो पक गया हुआ है तो अब ना ये खाएंगे। एक ही पौधा है हमारा बस ये किन्नू का ना बाकी नहीं है बाकी ये बाग लगाया हुआ है ये जब बड़ा हो जाएगा ना तो फिर मज़ा आएगा। अभी बस ये सारा हमने जो 5 से 6 एकड़ में लगाया है ना ये छोटे छोटे पौधे हैं किन्नू का एक पौधा है मौसमी के 3 पौधे हैं और इसके अलावा और मीठे का एक पौधा है बस दो तीन पौधे हैं बाकी हमारा गुजारा हो जाता है घर का। अभी कोई अच्छा सा दाना देखते हैं इसमें से ये वाला बेस्ट रहेगा या ये वाला रहेगा ये वाला तोड़ते हैं ये वाला अब मैं खाऊंगा बाकी इधर देख लें माशाल्लाह बहुत इसे फल लगा हुआ है। हम ना इसे खाद बहुत डालते हैं मतलब इसकी केयर बड़ी करते हैं एक ही पौधा है ना तो घर के लिए फिर रखा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाद वगैरह डालते हैं स्प्रे वगैरह करते हैं बड़ी केयर करते हैं इसकी। ये हमारी सरसों है जिसका साग बनाया है करेंगे हाँ बल्कि बनाना शुरू कर दिया हुआ है 2 दफ़ा बना लिया है पहले अब फिर किस दिन बनाएंगे अम्मी लोग मैं तो नहीं खाता बाकी घर वाले खाते हैं ये यहाँ ना मशीन लगा के ना थ्रेशर जिसे बोलते हैं थोड़ा सा बाजरा रखा था बीज के लिए तो ये निकाला था इसमें अभी ना दाने हैं तो इसमें कीड़े देखें किस तरह लगे हुए हैं कीड़े मकोड़े या जो भी हैं ये आज धूप निकली है ना तो इसलिए ये सारे कंबल वगैरह जो है ना ये धूप में रखे हुए हैं अम्मी ने वो वाला सामने वाला मेरा कंबल ये वाले दोनों भाभी के अम्मी जी ने आज धूप में ये तंबाकू भी रखा हुआ है क्योंकि आज धूप निकली हुई है ना तो इसलिए ये भी इधर धूप में रखा हुआ है मैंने। अभी शाम हो गई है और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं इधर लेटा हुआ था धूप में तो चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा हंसते रहें मुस्कुराते रहें हमेशा और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और जिन बहन भाइयों ने अब्बास वीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो ये
तो चलें फिर इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।